आज हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार के तीसरे पार्ट को करते हैं। इससे पहले हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार के दो पार्ट कर चुके हैं, जिसमें एक पार्ट अंतर्राष्ट्रीय सीमा के संदर्भ में और दूसरा अंतर्राज्यीय सीमाओं के संदर्भ में। आज हम इन दोनों के अंतर्गत कौन से जिले की संयुक्त सीमाएँ लगती है, कौन से अकेले राज्यों के रूप में सीमाएँ लगती है, उन पर जिक्र करेंगे। उससे पहले जो है हम देखते हैं राजस्थान का संपूर्ण क्षेत्रफल जो है, राजस्थान का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है। राजस्थान का क्षेत्रफल है 342,239.74 वर्ग किलोमीटर। ये जो क्षेत्रफल है ये संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना है, 10.41%। संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये 10.41% है। इस क्षेत्रफल के अंतर्गत राज्य के कितने जिलों का विस्तार है, 33 जिलों का विस्तार है। तो वर्तमान में राज्य में कुल कितने जिले हैं, 33 जिले हैं। अब देखा जाए तो राज्य में एकीकरण का जब हम निर्माण कर रहे थे, संपूर्ण राज्य का एकीकरण कर रहे थे, उस एकीकरण के समय जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय राजस्थान में कुल कितने जिले थे, 25 जिले थे। और जैसे ही राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ उस समय राज्य के एकीकरण में अजमेर मेरवाड़ा वाला क्षेत्र सम्मिलित कर दिया गया और उसके बाद में एक नवीनतम जिला कौन सा बना दिया गया, अजमेर जिला बनाया। अजमेर जिला किस क्रम के अंतर्गत आया, 26वें जिले के रूप में। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में कितने जिले थे, 25 जिले। उसके बाद राजस्थान में प्रथम जिला कौन सा बना था, अजमेर, जो क्रम के अंतर्गत कौन सा है, 26वां जिला था। अजमेर जो है वो कब निर्मित हुआ, 1 नवंबर 1956 को नवीनतम जिले के रूप में उभर कर सामने आया। इसके बाद में राजस्थान के 27वें जिले के रूप में धौलपुर जिले का निर्माण किया गया। धौलपुर जिला जो है वो किस जिले से पृथक होकर बनाया गया, भरतपुर जिले से पृथक करके एक नवीनतम जिला 27 नंबर क्रमांक का बनाया गया। और धौलपुर जिला जो है वो कब बनता है, 15 अप्रैल 1982 को कब बनता है धौलपुर जिला, 15 अप्रैल 1982 को 27वां जिले के रूप में निर्मित होता है। इसके बाद में कौन सा जिला आता है, 28 नंबर पर कौन सा नया जिला बनता है, 12 जिला किससे पृथक होकर बनता है, कोटा जिले से पृथक होकर बनता है। 29वां जिला कौन सा बनता है, 29वां जिला आ जाता है दौसा जिला, जो कि जिले से पृथक होकर बनता है, जयपुर जिले से पृथक होकर। इसके बाद में 30वां जिला आ जाता है राजसमंद जिला किससे पृथक होकर, उदयपुर जिले से पृथक होकर बनता है। ये तीनों जिले जो है वो एक ही दिन बनाए जाते हैं और वो कौन सा है, 10 अप्रैल 1991 को। तो राज्य के अंतर्गत 10 अप्रैल 1991 को 28, 29 और 30वें नंबर का जिला निर्मित होता है, जो क्रम से 12, दौसा और राजसमंद जिले का निर्माण होता है। इसके बाद में 31वें जिले का निर्माण होता है और 31वां जिला कौन सा है, हनुमानगढ़।
हनुमानगढ़ जिला किस जिले से पृथक होता है? गंगा नगर जिले से पृथक करके नवीनतम जिला बनाया जाता है। और ये कब अस्तित्व में आता है? ये आता है 12 जुलाई 1994 को नवीनतम जिला निर्मित होता है। इसके बाद में कौन सा जिला निर्मित होता है? 32वां जिला। और 32वां जिला कौन सा बनता है? करौली जिला। और करौली जिला जो है वो किस से पृथक होकर बनता है? ये बनता है स्वाई माधोपुर जिले से पृथक होकर बनता है। और ये कब अस्तित्व में आता है? ये आता है 19 जुलाई 1997 को। तो इस प्रकार से 26वां जिला अजमेर जो 1 नवंबर 1956 को निर्मित होता है, 27वां जिला धौलपुर जो कि 15 अप्रैल 1982 को निर्मित होता है, 28वां 29वां और 30वां ये क्रमशः तीनों जिले जो हैं वो कब? 10 अप्रैल 1991 को निर्मित होते हैं। 31वां जिला हनुमानगढ़ बनता है जो 12 जुलाई 1994 को, और 32वां जिला करौली है जो स्वाई माधोपुर से पृथक होकर के 19 जुलाई 1997 को बनता है। तो ये है 32 जिले। अब वर्तमान में जिले कितने हैं? 33 जिले हैं। तो राज्य का 33वां जिला कौन सा निर्मित होता है? राज्य का 33वां जिला है प्रतापगढ़, जो कि राज्य के अंतर्गत देखें तो 3 जिलों से तोड़ करके इस जिले को बनाया गया है, जिनमें से एक तो जिला कौन सा? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जिले की 3 तहसीलों को किस में मिलाया गया? प्रतापगढ़ के रूप में। एक तो कौन सी? स्वयं प्रतापगढ़ तहसील को, प्रतापगढ़ तहसील को किस जिले में सम्मिलित किया गया? प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत। दूसरी देखें तो कौन सी हो गई? छोटी सादड़ी। और तीसरी कौन सी हो गई? अरनोद। ये 3 तहसीलें जो है वो किस से पृथक होकर के आई? चित्तौड़गढ़ जिले से। और किस के अंतर्गत विस्थापित हो जाती है? प्रतापगढ़ के अंतर्गत। अब देखिए दूसरा जिला कौन सा? उदयपुर। उदयपुर जिले से कितनी तहसीलें? 1 तहसील किस में सम्मिलित की जाती है? प्रतापगढ़ में। और तहसील कौन सी है? धरियावाद तहसील। फिर आता है जिला कौन सा? बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा से भी 1 तहसील, और तहसील कौन सी है? पीपल खूंट तहसील जो है वो इसमें सम्मिलित की जाती है। तो इस प्रकार से प्रतापगढ़ जो है वो राज्य का 33वां जिला बनता है। और ये कब अस्तित्व में आता है? ये आता है 26 जनवरी 2008 को अस्तित्व में आता है, जो कि चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा की तहसीलों से मिलकर के बना है, जिसमें सर्वाधिक बड़ा योगदान किसका माना जाता है? चित्तौड़गढ़ जिले का माना जाता है। तो वर्तमान में राज्य के अंतर्गत कुल कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। अब देखिए हमारे पास में, अब इन 33 जिलों के अंतर्गत राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसके आधार पर देखिए, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से एक तरफ हम लिखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है बड़े जिले लिखेंगे, और दूसरी साइड में हम लिखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे जिले लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज रहेगी। अब देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर जिला रहता है, जो कि हमारे पास में जिसका संपूर्ण क्षेत्रफल कितना रहता है? क्षेत्रफल रहता है 38,401 वर्ग किलोमीटर। तो राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला कौन सा है? जैसलमेर जिला माना जाता है। अब देखिए दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बाड़मेर जिला,
जिसका क्षेत्रफल कितना है 28,387 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में तीसरे नंबर पर बड़े जिले के अंतर्गत कौन सा आता है, बीकानेर, बीकानेर जिला आता है, जिसका क्षेत्रफल कितना रहता है 27,244 वर्ग किलोमीटर रहता है। इसके बाद में चौथा जिला कौन सा आता है, चौथा जिला है हमारा जोधपुर जिला, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिलों के अंतर्गत आता है, और इसका क्षेत्रफल कितना है 22,850 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर माना जाता है। तो ये है हमारे पास में क्रमशः बड़े जिले। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर, दूसरा बाड़मेर, तीसरा बीकानेर और चौथा जोधपुर आता है। इसी प्रकार से न्यूनतम देखें भी सबसे कम क्षेत्रफल जो है वो राज्य के किस जिले का है, तो किस जिले का माना जाता है, धौलपुर जिले का क्षेत्रफल जो है वो राजस्थान में सबसे कम है और कितना है 3,033 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल जो है वो किसका है, धौलपुर जिले का माना जाता है। इसी प्रकार से निम्नतम में दूसरा कौन सा आ जाता है, दौसा जिला आ जाता है, और जिसका क्षेत्रफल कितना है 3,432 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। इसी क्रम में तीसरा जिला कौन सा आ जाता है, तीसरा आता है डूंगरपुर जिला माना जाता है। डूंगरपुर जिले का क्षेत्रफल कितना रहता है 3,770 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। ये किसका आ गया, डूंगरपुर जिले का। और इसी क्रम में चौथे नंबर पर कौन सा आता है, प्रतापगढ़ जिला आता है, और प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है 4,449 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। तो ये हमारे पास में क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम, और ये क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक जिले माने जाते हैं। तो कम से कम अपने को दो दो या चार चार जिले जो हैं वो ध्यान रहना चाहिए भी अधिक कौन से का क्षेत्रफल है और न्यूनतम जो है वो किसका माना जाता है। इसी प्रकार से प्रश्न बनता है भी राजस्थान का जैसलमेर जिला जो है वो, इधर देखो धौलपुर, भी राजस्थान का जैसलमेर जिला जो है वो संपूर्ण राज्य के अंतर्गत देखें तो संपूर्ण राज्य के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो संपूर्ण राज्य के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत माना जाता है 11.22% जो है वो संपूर्ण राज्य के क्षेत्रफल का माना जाता है। इसी प्रकार से जैसलमेर जो है वो धौलपुर से कितना गुणा बड़ा है, तो कितना गुणा बड़ा माना जाता है 12.66 गुना बड़ा, किससे, धौलपुर जिले से माना जाता है। तो इस प्रकार का प्रश्न भी बन सकता है भी ये जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है वो धौलपुर से कितना गुना बड़ा है, तो 12.66 गुना बड़ा माना जाता है। संपूर्ण क्षेत्रफल का ये कितना प्रतिशत माना जाता है, तो संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना है 11.22%, अर्थात 11.22% जो है वो संपूर्ण क्षेत्रफल का प्रतिशत जो है वो माना जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये क्षेत्रफल के आधार पर बनते हैं प्रश्न। अब इसके बाद में देखा जाए तो हमारे पास में वर्तमान में कुल जिले कितने हैं, 33 जिले हैं। अब 33 जिलों में राज्य के कितने जिले जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर और कितने जिले जो है वो अंतर्राज्यीय सीमा के साथ लगते हैं, जो हम पूर्व में कर चुके हैं। अब उनका थोड़ा सा हमें तुलनात्मक अध्ययन जो है वो करना है भी कौन से का कहाँ पर किस प्रकार का तुलनात्मक हमें बताने हैं, जो प्रश्नों के रूप में उभर करके सामने आते हैं उसके आधार पर देखें। हमारे पास यहाँ पर एकदम उत्तर में कौन सा जिला था, गंगानगर जिला। तो गंगानगर जिले से लेकर के और फिर बीकानेर,
बीकानेर के बाद जैसलमेर और जैसलमेर के बाद बाड़मेर। बाड़मेर तक जो सीमा है वो किसके साथ लग रही थी? पाकिस्तान के साथ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में राजस्थान की सीमा लग रही थी। अब देखा जाए तो बाड़मेर के बाद यहाँ जिला कौन सा आता है? जालौर। जालौर के बाद कौन सा आता है? सिरोही। सिरोही के बाद कौन सा? उदयपुर। उदयपुर के बाद डूंगरपुर और डूंगरपुर के बाद बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद भीलवाड़ा। अब देखिए, बाड़मेर से लेकर के और बांसवाड़ा तक सीमा किसके साथ लग रही थी? गुजरात राज्य के साथ में लग रही थी। और इसके बाद बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, इसके बाद कोटा। कोटा के बाद झालावाड़। झालावाड़ के बाद बारां। बारां के बाद स्वाई माधोपुर। स्वाई माधोपुर के बाद करौली और करौली के बाद धौलपुर। तो बांसवाड़ा से लेकर के, ये बांसवाड़ा है, और कहाँ तक? धौलपुर तक सीमा किसके साथ लगती है? मध्य प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान की सीमा लगती है। इसके बाद यहाँ आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ एक तो है धौलपुर और दूसरा कौन सा है? भरतपुर राज्य की सीमा लगती है। इसके बाद सीमा किसके साथ लगती है? हरियाणा राज्य के साथ। हरियाणा के साथ भरतपुर। भरतपुर के बाद अलवर। अलवर के बाद जयपुर। जयपुर के बाद सीकर। सीकर के बाद झुंझुनू और झुंझुनू के बाद चूरू और चूरू के बाद हनुमानगढ़। जिले की सीमा जो है वो हरियाणा के साथ लगती है। और अंतिम इन दो जिलों के साथ, गंगानगर, हनुमानगढ़ के साथ किसकी लगती है? पंजाब राज्य की सीमा लगती है। अब देखिए, यहाँ से जो कुछ प्रश्न बनते हैं, तो अब देखिए कि राज्य के ऐसे कितने ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। तो वो ज़िले कौन से हैं? एक तो है गंगानगर और दूसरा कौन सा है? बाड़मेर। अब पाकिस्तान के साथ जो सीमा बना रहे हैं वो तो किसके रूप में है? अंतर्राष्ट्रीय। और इधर जो गुजरात के साथ सीमा बना रहे हैं वो क्या है? अंतर्राज्यीय। तो राष्ट्रीय, सॉरी, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की सीमा किसके साथ बना रहे हैं? एक तो बाड़मेर के साथ और दूसरी गंगानगर के साथ। इधर गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में पाकिस्तान के साथ, और पंजाब के साथ अंतर्राज्यीय सीमा के रूप में। तो अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय व अंतर राज्य, राज्य दोनों प्रकार की सीमा जो है वो राज्य के कितने जिले बनाते हैं? दो जिले, गंगानगर और बाड़मेर। अब प्रश्न बनता है केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने जिले बनाते हैं? तो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो राजस्थान के कितने जिले बनाते हैं? दो जिले। एक तो कौन सा है? बीकानेर और दूसरा कौन सा है? जैसलमेर। ये केवल जो है वो किस प्रकार की सीमा बनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, क्योंकि ये अंतर्राज्यीय सीमा के रूप में किसी के साथ नहीं लगते। तो इसके आधार पर बीकानेर और जैसलमेर राज्य के दो जिले ऐसे हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। यहाँ से ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। अब प्रश्न बनता है कि राज्य के ऐसे कितने जिले हैं, राज्य के ऐसे कितने जिले हैं जो एक से अधिक अर्थात दो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो राज्य के ऐसे कितने जिले हैं जो एक से अधिक अर्थात दो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं? तो कौन से हो जाएंगे? तो अब देखो, दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले कितने
जिले हैं। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ इधर आए तो ये कौन सा आ गया, बांसवाड़ा, जो कि गुजरात के साथ सीमा बनाता है और उधर मध्य प्रदेश के साथ। इसी प्रकार से ये देखो धौलपुर, इधर उत्तर प्रदेश के साथ और इधर मध्य प्रदेश के साथ। फिर देखो भरतपुर, भरतपुर इधर उत्तर प्रदेश के साथ और इधर हरियाणा के साथ। इसके बाद देखो इधर हनुमानगढ़, जो इधर हरियाणा के साथ और यहाँ पर पंजाब राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। तो राज्य राजस्थान के ऐसे कितने ज़िले हैं जो कि दो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं? तो कितने हो गए, एक दो तीन और चार। तो कितने ज़िले हो जाएंगे, चार। वो चारों ज़िले कौन से हो गए, एक ज़िला तो हो गया बांसवाड़ा, दूसरा धौलपुर, तीसरा भरतपुर और चौथा हनुमानगढ़। तो ये चार जिले ऐसे हैं जो दो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। अब प्रश्न बनता है भी राजस्थान के ये चारों तरफ बिखरे हुए जो जिले हैं, ये कितने जिले हैं जो राजस्थान की किस प्रकार की स्थलीय सीमा बनाते हैं? तो राजस्थान के ये चारों तरफ अगर हम गिनेंगे जिले, तो ये टोटल जिले कितने हो जाएंगे, 25 जिले हो जाएंगे, जो कि राजस्थान की किस प्रकार की सीमा बनाते हैं, स्थलीय सीमा, और किस रूप में, राष्ट्रीय सॉरी अंतर्राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों के रूप में। भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में तो किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, और अंतर्राज्यीय सीमा के रूप में पांच राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। इस प्रकार के कितने जिले हो जाएंगे, ये 25 जिले। अब प्रश्न पूछे भी केवल अंतर राष्ट्रीय सीमा जो है वो कितने जिले बनाते हैं? तो कितने जिले हैं, देखो बाड़मेर तो गुजरात के साथ अंतर्राज्यीय भी बनाता है और इधर पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय भी बनाता है। गंगानगर अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की बनाता है। तो बच गए कौन से, ये दो जिले, बीकानेर और जैसलमेर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो जिले बीकानेर और जैसलमेर ऐसे जिले हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। फिर प्रश्न बनता है भी राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो कि अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो अंतर्राज्यीय सीमा कौन से बनाते हैं, तो अब देखो अपने ही राज्यों के साथ में जो सीमाएं बना रहे हैं वो कितने हो जाएंगे। तो अब देखो बाड़मेर से प्रारंभ हो रहे हैं, घूम के कहां तक आ रहे हैं, गंगानगर तक। तो कितने की सीमा जो है वो अंतर्राज्यीय नहीं लग रही, दो, तो टोटल कितने थे, 25 थे। 25 में से कौन से घटा दिए, बीकानेर और जैसलमेर, दो घटा दिए, कितने बच गए, 23 जिले। तो राजस्थान के 23 जिले किस प्रकार के हैं, ऐसे जिले हैं जो कि अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो अंतर्राज्यीय सीमा जो है वो राजस्थान के कुल कितने जिले बनाते हैं, 23 जिले। अब प्रश्न बनता है केवल अंतर्राज्यीय सीमा कितने जिले बनाते हैं, केवल शब्द आ गया। अब केवल आ गया तो बाड़मेर देखो आपकी अंतर्राज्यीय सीमा भी बना रहा है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा। गंगानगर क्या है, अंतर्राज्यीय सीमा भी बना रहा है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बना रहा है। तो ये दो जिले इधर और कम कर देंगे, तो यानी कि हमारे पास में कितने जिले थे अभी, 23 में से दो और निकाल देंगे तो कितने बच जाएंगे, 21 जिले। तो राजस्थान के 21 जिले ऐसे हैं जो केवल कौन सी सीमा बनाते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। अब प्रश्न बनता है राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो एक एक राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, जो केवल एक एक राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। जैसे कि देखो गुजरात, गुजरात में जालौर जो है वो अकेला गुजरात राज्य के साथ सीमा बना रहा है, सिरोही जो है वो अकेला गुजरात राज्य के साथ, उदयपुर जो है वो गुजरात राज्य के साथ, डूंगरपुर जो है वो अकेला गुजरात के साथ, लेकिन बांसवाड़ा क्या है, गुजरात के साथ भी है और मध्य प्रदेश के साथ। तो इसका मतलब इसको हमने काउंट नहीं करना है। तो इसके आधार पर देखें तो ऐसे कितने जिले हैं जो राज्य के साथ
एक एक राज्य की सीमा बनाते हैं, यानी कि जितने भी जिले हैं जो किसी अन्य राज्य के साथ, केवल एक राज्य के साथ ही सीमा बनाते हैं। तो टोटल कितने हैं हमारे पास यहाँ पर जो केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं? 21। 21 में देखो, बांसवाड़ा 2 के साथ, धौलपुर 2 के साथ, भरतपुर 2 के साथ और हनुमानगढ़ 2 के साथ। तो इस 21 में से कितने घटा देंगे अपने? 4। तो 21 माइनस 4, जो दो दो के साथ सीमा बना रहे थे वो घटा देंगे, बच गए कितने? 17। तो ये 17 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान के जिले हैं जो केवल मात्र एक एक राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये कुछ हमारे पास में बाह्य आवरण के तुलनात्मक प्रश्न बन जाते हैं। तो ये विशेषता रहती है। अब इसके बाद में देखें तो हमारे पास में कुछ एक जिले ऐसे हैं राजस्थान के सीमावर्ती जिले जो केवल मात्र जो है वो क्या करते हैं, किन्हीं दो दो जिलों के साथ ही सीमा बनाते हैं, जो चाहे वो आंतरिक जिलों के रूप में हो चाहे किसी अन्य जिलों के रूप में हो, उस प्रकार के भी आएंगे जो हम इसको पूर्ण करने के बाद में देखेंगे। तो अब देखो हमारे पास में टोटल कितने जिले आ गए? 25 जिले। कितने जिले बच गए हमारे पास में, क्योंकि कुल जिले कितने हैं राजस्थान में? 33 जिले। 33 में से कितने हो गए? 25। बच गए कितने? 8 जिले। तो राजस्थान के ये 8 जिले किस प्रकार के जिले हैं? ये जिले कहलाते हैं आंतरिक जिले, आंतरिक जिले या लैंड लॉक्ड जिले या स्थलाबद्ध जिले, ऐसे जिले जो अपने ही राज्य के जिलों से घिरे हुए हैं, यानी कि अपने ही राज्य के जो जिले हैं उनकी सीमाएं ही लगती है, वो राजस्थान के आंतरिक जिले हैं। और वो कौन से जिले कहलाएंगे? वो है स्थलाबद्ध या लैंडलॉक्ड या आंतरिक जिले, जो कुल कितने हैं हमारे पास में? 8 जिले माने जाते हैं। अब हमें देखना है कि वो 8 जिले कौन से हैं जो कि आंतरिक जिलों के रूप में हैं। एक तो कौन सा जिला आता है यहाँ पर? पाली जिला आता है। पाली के बाद यहाँ कौन सा आता है? जोधपुर जिला आता है। जोधपुर के बाद यहाँ कौन सा आता है? नागौर जिला। फिर अजमेर जिला, अजमेर के बाद में टोंक जिला, और इधर हमारे पास में दौसा जिला, और यहाँ पर हमारे पास राजसमंद जिला। ये हमारे पास में क्या है? राजस्थान के जिले हैं जो कि आंतरिक जिलों के रूप में माने जाते हैं। पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, टोंक, दौसा, राजसमंद और बूंदी, ये 8 जिले किस प्रकार के जिले हैं? ये है आंतरिक जिले माने जाते हैं। अब इन आंतरिक जिलों के अंतर्गत देखें तो राजस्थान का पाली जिला एक इस प्रकार का जिला है जिसके साथ राजस्थान के सर्वाधिक जिलों की सीमा लगती है। तो कितने जिलों की सीमा लगती है पाली के साथ भी? 8 जिलों की सीमा लगती है। वो जिले देखो कौन कौन से। अब हमारे पास पाली के साथ किसकी सीमा लगती है? उदयपुर जिले की सीमा लगती है। उदयपुर के बाद किसकी लगती है? सिरोही जिले की सीमा लगती है। सिरोही के बाद किसकी लगती है? जालौर जिले की सीमा लगती है। जालौर के बाद किसकी लगती है? बाड़मेर जिले की सीमा लगती है। बाड़मेर के बाद किसकी लगती है? जोधपुर जिले की लगती है। जोधपुर के बाद नागौर जिले की लगती है। नागौर के बाद अजमेर जिले की लगती है और अजमेर के बाद राजसमंद जिले की सीमा लगती है। तो इस प्रकार से देखें तो ये 8 जिले हैं जिनकी सीमा किसके साथ लगती है? पाली जिले के साथ। एक तो कौन सा हो गया? उदयपुर। दूसरा कौन सा हो गया? सिरोही। तीसरा कौन सा हो गया? जालौर। चौथा कौन सा हो गया? बाड़मेर। पांचवा जोधपुर। छठा नागौर। सातवां अजमेर और आठवां राजसमंद। तो इन 8 जिलों की सीमा जो है वो किसके साथ लगती है? पाली जिले के साथ सीमा लगती है। तो ये हमारे पास में हमारे राज्य के कितने जिले हो गए? 33 जिले हो गए, और 33 जिले जो हैं वो राजस्थान के बहुमूल्य जिले माने जाते हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय और आंतरिक सीमा के रूप में विभाजन हमने पढ़ा। अब इसके अंतर्गत देखें तो हमारे पास में इन जिलों के कुछ
अन्य विशेषता देखिए। अब हमारे पास ये संपूर्ण जिले आ गए और जिले कितने आ गए, 33 जिले आ गए। इन 33 जिलों के अंतर्गत राजस्थान के 6 जिले ऐसे हैं, कितने जिले, 6 जिले ऐसे हैं जो कि दो दो जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। राजस्थान के 6 जिले ऐसे हैं जो कि दो दो जिलों के साथ सीमा बनाते हैं, जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। अब वो जिले देखते हैं अपने, कौन से ऐसे जिले हैं जो दो दो जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। अब इनमें से पहला जिला लिखते हैं अपने साथ में, तो इस मानचित्र में ही हम इनको देखेंगे भी कौन कौन सा जिला ऐसा है जो दो दो जिलों के साथ सीमा बनाता है। आप भी एटलस के अंतर्गत देखें ताकि एटलस में इन चीज़ों को हम आसानी से देख पाएंगे। तो अब इसके अंतर्गत देखें तो ये हमारे पास में 33 जिले हो गए। अब 33 में से पहला जिला देखो गंगानगर, गंगानगर, गंगानगर जिला जो है वो राजस्थान के दो जिलों के साथ सीमा बनाता है। ये गंगानगर किसके साथ सीमा बनाता है, एक तो बनाता है हनुमानगढ़ के साथ और दूसरी सीमा किसके साथ बनाता है, बीकानेर के साथ। तो इसका मतलब गंगानगर एक तो हनुमानगढ़ के साथ, हनुमानगढ़ जिले के साथ, और दूसरी सीमा किसके साथ बनाता है, बीकानेर जिले के साथ सीमा बनाता है। तो ये दो जिलों के साथ सीमा बना रहा है। अब दूसरा जिला हम देखते हैं झुंझुनू जिला, दूसरा कौन सा आ जाता है, झुंझुनू, झुंझुनू जिला, ये कितने के साथ सीमा बनाता है, दो जिलों के साथ सीमा बनाता है। अब झुंझुनू देखो एक तो किसके साथ सीमा बना रहा है, चूरू के साथ, और दूसरा सीमा किसके साथ बनाता है, ये सीकर जिले के साथ बनाता है। तो एक तो आ जाएगा चूरू जिले के साथ और दूसरी किसके साथ आ जाएगी, सीकर जिले के साथ सीमा बनाता है। अब इसके बाद देखिए तीसरा जिला, तीसरा जिला कौन सा आ जाएगा, तीसरा जिला आ जाएगा आपका धौलपुर जिला, जो कि दो जिलों के साथ सीमा बनाएगा। अब देखो धौलपुर धौलपुर जिला जो है वो किसके साथ सीमा बनाता है, एक तो बनाता है भरतपुर जिले के साथ और दूसरा किसके साथ बनाता है, करौली जिले के साथ। तो धौलपुर जो है एक तो किसके साथ, भरतपुर जिले के साथ, और दूसरा किसके साथ सीमा बनाएगा, करौली जिले के साथ सीमा बनाता है। तो ये तीन जिले हो गए। अब देखते हैं चौथा जिला, चौथा जिला, अब चौथा जिला कौन सा आ जाएगा, ये देखो कौन सा जिला है, बारां जिला। तो चार नंबर पर कौन सा आ जाएगा, बारां जिला है, जो कितने जिलों के साथ सीमा बनाएगा, दो जिलों के साथ सीमा बनाएगा। एक तो कौन सा आ जाएगा, कोटा जिला, और दूसरा कौन सा आ जाएगा, झालावाड़ जिला। यानी कि इधर तो कोटा जिले के साथ और इधर किसके साथ आ गया, झालावाड़ जिले के साथ। इसके बाद है पाँच नंबर पर जिला कौन सा आएगा, पाँच नंबर पर जिला आ जाएगा आपका झालावाड़ जिला, झालावाड़ जिला। झालावाड़ भी कितने के साथ सीमा बनाएगा, दो जिलों के साथ। अब वो कौन सा है, ये रहा झालावाड़, एक तो किसके साथ बनाएगा, ये कोटा के साथ, और एक किसके साथ बनाएगा, बारां जिले के साथ। तो कोटा और दूसरा कौन सा आ जाएगा, बारां। तो कोटा और बारां जिले के साथ में सीमा बनाता है। अंतिम आपका छठा जिला, छठा जिला कौन सा आएगा, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जो है वो किसके साथ बनाता है, प्रतापगढ़ के साथ। बांसवाड़ा किसके साथ बनाता है, डूंगरपुर के साथ। तो नेक्स्ट जिला आ जाता है बांसवाड़ा जिला, जो दो जिलों के साथ सीमा बनाता है, एक तो है प्रतापगढ़ और दूसरी कौन सी है, डूंगरपुर जिला। तो ये 6 जिले ऐसे हैं जो राज्य के दो दो जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये कुछ एक विशेषताएं रहती है हमारे पास में 6 जिलों की, जिनके अंतर्गत कौन कौन से जिले आए थे आपके पास, एक तो गंगानगर था जो हनुमानगढ़ और बीकानेर के साथ, दूसरा झुंझुनू था जो चूरू और सीकर के साथ, तीसरा धौलपुर था जो करौली और भरतपुर के साथ, चौथा बारां था जो झालावाड़ और कोटा के साथ, नेक्स्ट झालावाड़ था जो बारां और कोटा के साथ था, और अंतिम था बांसवाड़ा जो प्रतापगढ़ और डूंगरपुर के साथ सीमा बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये राज्य के 6 जिले ऐसे हैं जो दो दो जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। अब देखिए राजस्थान के दो जिले ऐसे हैं जो कि किस अवस्था में पाए जाते हैं, खंडित अवस्था में। उनमें से एक जिला तो कौन सा आ जाता है, चित्तौड़गढ़।
चित्तौड़गढ़ का खंडित भाग किसके साथ में लगा हुआ है? कोटा के साथ में, जो किस नाम से पुकारा जाता है? भैंस रोड गढ़ के रूप में पुकारा जाता है। तो कोटा जिले के पास वाला भाग चित्तौड़गढ़ का क्या कहलाता है? भैंस रोड गढ़। तो चित्तौड़गढ़ खंडित अवस्था में है। दूसरा कौन सा आ जाता है खंडित अवस्था में? अजमेर। अजमेर का खंडित भाग कौन सा कहलाता है? टोडगढ़ कहलाता है। टोडगढ़ कहाँ पर? पाली और राजसमंद और अजमेर, इन तीनों के मध्यवर्ती क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो वो भाग कौन सा है? टोडगढ़। तो राज्य के अंतर्गत अजमेर और चित्तौड़गढ़ दो क्या है? खंडित जिले माने जाते हैं। इसी प्रकार से देखें तो राज्य का कोटा और बूंदी क्षेत्र जो है, इन दो जिला मुख्यालयों के मध्य दूरी क्या है? न्यूनतम पाई जाती है। तो राजस्थान के ऐसे कौन से दो जिला मुख्यालय हैं जिनके मध्य दूरी न्यूनतम पाई जाती है? तो वो कौन से हैं? कोटा और बूंदी दो जिले हैं जिनके मध्य न्यूनतम दूरी पाई जाती है। अब देखा जाए तो हमारे पास में इस साइड के अंतर्गत यहाँ पर दूरस्थ बिंदु के रूप में क्या है? दिल्ली, जो हमारी भारत की राजधानी भी है और भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान के दो क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं। एक तो कौन सा है? अलवर, और दूसरा कौन सा है? भरतपुर। तो संपूर्ण अलवर और भरतपुर की कुछ तहसीलों को किसके अंतर्गत माना जाता है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में गिना जाता है। तो अब देखा जाए तो भरतपुर के अंतर्गत कौन कौन से वो तहसीलें हैं जिनको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गिना जाता है, तो वो देखते हैं। तो अलवर तो क्या आ गया? संपूर्ण भाग आ गया अलवर का। भरतपुर में देखें अपने, भरतपुर में कौन सी आ गई तहसीलों के रूप में? एक तो आ गई पहाड़ी तहसील आ जाती है, एक कौन सी आ जाएगी? कुम्हेर तहसील जो है वो आ जाती है, एक स्वयं भरतपुर तहसील जो है वो इसमें सम्मिलित की गई है, एक है नदबई तहसील जो इसमें सम्मिलित की गई है। तो हमारे पास में भरतपुर के अंतर्गत पहाड़ी आ गई, कुम्हेर आ गई, भरतपुर आ गई, नदबई आ गई और एक डीग तहसील। ये तहसीलें जो है वो भरतपुर की है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गिनी जाती है। तो संपूर्ण अलवर और भरतपुर की ये पहाड़ी, कुम्हेर, भरतपुर, नदबई और डीग तहसीलें हैं जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत गिनी जाती है। तो ये कुछ एक विशेषताएं जो है वो इस भाग की हो जाती है। तो इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की स्थिति और विस्तार, जो कि हमारा पूर्ण हो गया है। अब इसके अंतर्गत ये तो था आंतरिक और बाह्य आवरण के रूप में विशेषता। अब हमारे अंतर्गत इस भाग में देखें तो क्या बच जाता है? राजस्थान के संभाग, जिनको हम नेक्स्ट पार्ट के अंतर्गत करेंगे। भी राजस्थान के संभाग को किस प्रकार से विभक्त किया गया है, उनकी क्या विशेषताएं होती है, तो उनको अपने नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।